गाइज, इन दिनों जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल से हुई महंगाई की मार से जनता परेशान है, वहीं दूसरी तरफ धरती पर बढ़ रहा प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। लेकिन बिहार मुजफ्फरनगर के युवाओं की एक टीम ने इन दोनों ही समस्याओं का एक समाधान निकाल लिया है। उन्होंने बेकार फेंके जाने वाले प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल और डीजल को तैयार किया है। साथ ही गांव में एक ऐसा प्लांट लगाया गया है जिससे बायो पेट्रोल और डीजल बनाया जा रहा है। अब अगर ये आइडिया कामयाब रहा तो आगे बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करके पेट्रोल और डीजल की जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। गाइज, आपका बिहार की इस युवा टीम के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपकी जिंदगी में एक अच्छा मौका आपकी किस्मत को बदल के रख सकता है। और कुछ ऐसा युवा सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को बॉलीवुड में अपना पहला ब्रेक स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी से मिला था, लेकिन उसके बाद उनका फिल्मी करियर नीचे की तरफ जाने लगा। फिल्म हंसी तो फंसी, एक विलन, ब्रदर्स, जबरिया जोड़ी और मरजामा जैसी फिल्में फ्लॉप रही और इसी वजह से कई फिल्म डायरेक्टर्स ने उन्हें साइन करना बंद कर दिया था। लेकिन फिल्म शेरशाह उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के सुस्त करियर को एक नई रफ्तार दे दी है। उन्होंने फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार इस बखूबी के साथ निभाया है कि हर कोई उनके अभिनय की तारीफ कर रहा है। कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मार्क जकरबर्ग फेसबुक का नाम बदल सकते हैं और हमने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी। फाइनली इस न्यूज पर मोहर लगी गई। गाइस, फेसबुक का नया नाम होगा मेटा। मेटा मेटावर्स टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करेगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जहां पर हम 3D तकनीक के जरिए एक दूसरे से जुड़ पाएंगे और आगे जाकर ये मेटावर्स मोबाइल और इंटरनेट की जगह ले लेगा। गाइस, इसके साथ ही मेटा का नया लोगो भी जारी किया गया है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। कुछ ही सालों में टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई। पहले जो सिर्फ सपना लगता था आज वो हकीकत बन गया है और अब तो वैज्ञानिकों ने सपनों को भी नहीं छोड़ा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जापानी वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक एक MRI मशीन बना ली है जो कि इंसान के सपनों को रिकॉर्ड करके उसको रीबिल्ड यानी कि पुनर्निर्माण करके उसे जागते हुए देखने लायक बना सकता है। ओह माय गॉड, यानी कि अब आप अपने सपनों को हकीकत में देख पाओगे। गाइस, अब आपको ये बताना है कि आप अपना कौन सा सपना हकीकत में देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वॉक्सवैगन जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसके लिए अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वॉक्सवैगन का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है तो आप में से शायद बहुत से लोग कार कहेंगे, लेकिन नहीं, उनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है सोसेज, जिसे हम एक तरह से मांस का अचार भी कह सकते हैं। 2018 में तो 6.8 मिलियन सोसेज उन्होंने प्रोड्यूस किए थे। इस बैकअप बिजनेस की शुरुआत 1938 में वॉक्सवैगन की एक रिमोट फैक्ट्री में हुई थी जो कि उनके वर्कर्स के लिए खाना बनाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन उनके सोसेज की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा ग्रो हो गई कि उन्होंने इसे पब्लिक के लिए भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद सोसेज सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया। गाइस, क्या इसके पहले तक ये अमेजिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।